पतंजलि योगपीठ में देश की लगभग 60 करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रत्येक जिला एवं तहसील से हजारों बहनों ने महिला पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में हरिद्वार में प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस दौरान नव वर्ष के प्रथम दिन को हर वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। आज के इस सृष्टि सम्मत को नव वर्ष को हमने महिला दिवस के रूप में हर वर्ष मनाने का निश्चय किया है। इसके लिए सब माताओं बहनों को, संपूर्ण मातृशक्ति को और संपूर्ण भारतीयों को नवरात्र की, नव वर्ष की, सृष्टि सम्मत की, सृष्टि दिवस के साथ साथ इस महिला दिवस की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबके जीवन में नववर्ष सुख समृद्धि लाने वाला हो, आपको भीतर से और बाहर से विकसित करने वाला हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं तेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका हृदय करुणा से भरा है, जिसकी वाणी सत्य से विभूषित है और जिसकी काया पर हित निमग्न है, ऐसे हमारे योग के योगेश्वर, जिसमें शिव की शक्ति है, राम की मर्यादा है, कृष्ण की लीलाएं हैं, ऐसे हमारे मानवता के मसीहा, पूर्णता के पैगंबर, प्रेम के पूर्ण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी को, गुरु जी को, भारत भर से आई हुई सभी बहनों की ओर से सत सत नमन वंदन। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा नए साल का प्रारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। फिर से हमें एक बार मुक्त बनाने के लिए हमारे गुरुवर इस धरती पे आ चुके हैं, हमें आश्वासन दिला रहे हैं कि हम असत के असत से सत की ओर, दुर्गुण से सद्गुण की ओर, और हम वैयक्तिक चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक जाएंगे। क्योंकि कृष्ण के समय में गोपियों ने भी बहुत ही साथ दिया था। विकृत कामा की लघोपकन्या मुरारी पादार पितसित्त वृत्ति दध्याधिकम मोह मसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेती। घर घर जाके गोपियों ने दूध दही बेचने के बहाने, राज सिंहासन पे भले ही कोई भी बैठा हो, लेकिन घर घर में हरेक के हृदय सिंहासन पे उसने कृष्ण भगवान को प्रस्थापित किया था। इस समय पे यदा यदा ही धर्मस्य, जैसे भगवान बार बार जन्म लेते हैं, तो क्या भक्तों का बार बार जन्म नहीं होता? तो गोपियों का जन्म भी हो चुका है। हमें भी जब गोपियों ने जैसा काम किया है, वैसा घर घर जाके ये काम करना है और ये संस्कृति फिर से वापस लाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी के साथ रहना है। सीता गीता कुंता की ये संस्कृति, अस्मिता की ये भूमि ना कोई अबला की, ये शौर्य भूमि है प्रबला की। अंत में जो बात दवा से ना होती हो, वो दुआ से होती है। काबिल गुरु जब मिल जाते हैं तो बात खुदा से होती है।